गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस. इन आवर लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड वी हैड डन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बताया था कि ये दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब का हमने कल कर लिया था अलग अलग टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब, सारी कल हमने पढ़ ली थी. आज हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट होता है. और डब्ल्यू एच वर्ड में हमें पता है हम क्या क्या आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हूज, व्हेन, व्हिच, ये सारे जो है डब्ल्यू एच वर्ड है. तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वो अलग अलग टेंस की अलग अलग होती हैं, और या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा. ठीक है, आज हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अगर एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो चेंजेस कैसे होंगे, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है तो चेंजेस कैसे होंगे. ओके, रूल्स क्या है इसमें. फर्स्ट रूल दिया हुआ है, यूज हेल्पिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. ठीक है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह ही यूज होगी. एक्टिव वॉइस में जहाँ है पैसिव वॉइस में भी वही यूज होगी, और टेंस के अकॉर्डिंग जो भी टेंस है उसका. ओके, क्लियर. और बाकी सारे रूल जो हैं एक एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वो सारे वही होंगे. फाइव गोल्डन रूल्स हमने पढ़े हैं. प्रोनाउन टेबल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंजेस होंगे. टेंस टेबल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग टेंस टेबल होंगे. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है कि जहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आया है डब्ल्यू एच वर्ड अपनी जगह एज इट इज रहेगा, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह एज इट इज रहेगी टेंस के अकॉर्डिंग. ओके, फर्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब वाला, ये डू से स्टार्ट हो रहा है. डू हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड, हमने कल हेल्पिंग वर्ब की थी. डू डज प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और डिड जो है पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. तो ये डू से स्टार्ट हो रहा है मीन्स हमें पता लग गया हमारा टेंस जो है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है. हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में है तो इसकी चेंजेस कर देते हैं. डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी. अब ये डू जो है मैंने बताया था ये या तो क्वेश्चन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर नेगेटिव सेंटेंस की होती है, और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये डू जो है प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, और इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा भी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जाके सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, जो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आएगी. इज क्रिकेट वर्ब आ जाएगी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड. इज क्रिकेट प्लेड, और ये जो पोर्शन है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय द बॉयज एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्लियर, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह आएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, बाय आ गया, और यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया. क्लियर, और अब है व्हाट वाला. ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट इज ही राइटिंग. राइटिंग अब यहाँ इज आ गया, हेल्प प्रेजेंट टेंस है, आई एन जी आया तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है. हमने रूल में पढ़ा था तो कॉन्टिन्यूस के लिए पैसिव वॉइस में हमें बींग लगाना होता है, बी ई आई एन जी, बींग यूज करना होता है. ओके, तो ये व्हाट अपनी जगह रहेगा, व्हाट हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी, व्हाट इज क्योंकि कंटीन्यूअस में वही आ जाती है, इज कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस के लिए बीइंग ऐड किया, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय आ गया, और ये ही जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ आके ऑब्जेक्टिव केस में हिम में चेंज हो जाएगा. क्लियर, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ये नहीं भूलना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये मस्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये मस्ट है, ये लगाना नहीं है. क्लियर, चेंजेस क्लियर हैं, सारे चेंजेस वही हैं, बस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का चेंज अलग आया है कि हेल्पिंग वर्ब वाला, और वो हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहेगी बट टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ डू था तो यहाँ इज हो गया, व्हाट एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज रहेगा. क्लियर, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. रिवाइज द टॉपिक, देन इनफ फॉर टुडे.